मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मेरा एक मकसद है कि जो दिल्ली में जो मेट्रो चल रही है ड्राइवर लेस, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। मैं इस वीडियो बनाने का, मेरा क्रिसमस के मौके पर शुरू हो गया है मैजेंटा लाइट, एक बेहद ही खास है। ये पहली बार ऐसी मेट्रो होगी जिस पर चालक रहित मेट्रो दौड़ेगी। शुरुआती में मेट्रो ट्रेन को चालक ही चलाएंगे, लेकिन बाद में ये ऑटोमेटिक मोड पर चलेगी। आगामी 25 दिसंबर के का दिन DMRC के लिए खास है, इसलिए DMRC ने इसे 15 साल पूरा करिए। बोटेनिकल गार्डन से कालका जी के बीच मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए DMRC के बीच अक्टूबर माह से सुरक्षा आयुक्त के पास सभी दस्तावेज जमा करवा दिए। यह पहली बार नया सिस्टम होगा। चलने वाली इस लाइन पर बीते नवंबर में बारीकी से जांच करने के बाद सुरक्षा आयुक्त ने कुछ शर्तों के साथ मेट्रो चलाने की अनुमति दी थी। इस शर्तों को DMRC ही जल्दी पूरा कर लिया, लेकिन गुजरात और हिमाचल में चल रहे चुनाव के चलते इस लाइन को खोलने में समय लगा था। यही मकसद है। तो मैं स्टार्ट करके आपको वन बाय वन आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सिस्टम काम कैसे करेगा। आप यहाँ देखिए, ये जो हमारा है CBTC यानी कम्युनिकेशंस बेस ट्रेन कंट्रोल, यहाँ से ही जितनी कम्युनिकेट हम करेंगे, यानी जितनी भी कम्युनिकेट करने के क्या तरीके हो सकते हैं, वो यानी नेटवर्क के थ्रू ही कम्युनिकेट होगी। जहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल्स वायर लगे हुए हैं, ये सारे फाइबर ऑप्टिकल्स वायर हैं, और यहाँ पर जो पर्सन बैठे हुए हैं, ये पर्सन एक्चुअली करेंगे क्या, यही पूरी ट्रेन को कंट्रोल करेंगे। ये कंट्रोल रूम में बैठे ये 10 से 12 लोग होंगे, और ये कम से कम 100 ट्रेन को ये मैनेज कर सकते हैं। और आप ध्यान से अगर देखिए तो ये हमारा ट्रेन है, और यहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल, यहाँ कुछ स्विचेज लगे हुए हैं, और उस स्विचेज के आप सब नेट के थ्रू आप यहाँ पर उसका पूरी डिस्प्ले देखी जाएगी। यानी पूरी की पूरी जो ये जो कम्युनिकेट होगी, ये हमारी होगी ये बिल्कुल इंटरनेट से होगी, जो कि फाइबर ऑप्टिकल के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर डाटा का जो ट्रांसमिशन होता है बहुत ही फास्ट होती है। तो यहाँ से पूरी कमांड किया जाएगा। तो फर्स्ट इसको जो टेक्नोलॉजी जो यूज की है, जो कमांड इसको मेट्रो को करेगी, वो है कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल। अब बात कर लेते हैं, और इसका जो सेकेंड है, ट्रेन से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। ट्रेन कम्युनिकेट्स, आप ट्रेन के अंदर ये सारे जो लाइनें लगी हुई है, इस आपको जो कंट्रोल रूम से सीधा अटैच है, और सारी डिस्प्ले हम वहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर हमारे ट्रेन कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी पूरा हम ध्यान से देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसके CCTV कैमरेज, तो इसके अंदर जो कैमरे लगे हुए हैं वो क्रिस्टल क्लियर इमेज क्वालिटी, डायनेमिक रेंज यानी बहुत ही आईपी कैमरेज हैं, जो कि आपको पता है आईपी कैमरे क्या होते हैं, कि ये रिमोटली इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। यानी इसका पूरा विजुअल्स हमारे जो यहाँ पर CBT कंट्रोल यानी कम्युनिकेशन ट्रेन कंट्रोल के पास रहेगी। ये पूरा विजुअल्स इसका जितने भी डिस्प्ले है आप वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी, ये हमारे सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं। यहाँ से अगर क्लाइंट कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप सेंड करते हो तो CBTC के पास चली जाती है, और वहाँ पर से सारे कंट्रोल की जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके पैसेंजर वाईफाई, आप देख लीजिए यहाँ पर ये हमारी ट्रेन है, ये पूरी फुली वाईफाई से कनेक्टेड है, और इसकी पूरी सर्विलांस आपको CBCT के पास होती है, यानी कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल्स के पास होती है। और वे ऑफ द मोनिटरिंग सिस्टम पे आप पूरी ही आप यहाँ पर जो डिजाइंस हैं आप देख सकते हैं, पूरा ट्रेन की जो यहाँ मेट्रो की पूरी इंफॉर्मेशंस हैं आप CBCT के पास होती है। हम यहाँ बात करते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस यानी ATO के। ATO कैसे काम करेगा, इसमें स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड है, वार्निंग कर्व, इमरजेंसी ब्रेक, ये सारे चीज़ें ATO का काम है। ये ATO इसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पर हम बात करें ATC का, ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल। एक्चुअली इसके अंदर बेसलाइन एंटीना लगा हुआ है, और ऑटोमेटिकली जैसे ही स्पीड कम या ज़्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेन को रोक सकता है, इमरजेंसी ब्रेक लगा सकता है। ये सारे कंट्रोल ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल के पास होती है, यानी ATC की। तो एक्चुअली इसमें जो है आप इस टाइप से ड्राइवर लेस हमारा जो विजन से आप देख भी रहे होंगे, तो पूरा का पूरा एक नेटवर्किंग से है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क चल रहा है, और पूरी एक ड्राइवर। तो मैं
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए कि हमारी पूरी मेहनत आपके लाइक और सब्सक्राइब पर डिपेंड होती है। तो जय हिंद दोस्तों।